आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। आपने देखा होगा, पहले शरीर के शक्ति का युग था एक समय, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी जंगाएं, बड़े बड़े पहलवान हैं, मुस्टंडे हैं, उनके हाथ में बड़ी बड़ी गदाएं, वो दुनिया में सबसे पराक्रमी है, सबसे विजयी है, बल का युग था, मसल्स पावर का युग था, चला गया वो। उसके बाद में दूसरा युग आया, बुद्धि का युग, मरी हत्या किक्कड़ पहलवान है, लेकिन वो गोली मार करके या बम विस्फोट से बड़े पहलवान को भी उड़ा सकता है, बुद्धि का युग आ गया, दूसरा युग, ताकत वाकत सब धरी की धरी रह गई, कितना ही पहलवान। अब ये बुद्धि की बुद्धि भी धरी रह जाएगी, क्योंकि तीसरा जो युग आ रहा है ये चित्त शक्ति का युग है। आज आपको नहीं मालूम पड़ेगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद याद करोगे कि अरे स्वामी जी ने हमको 15 साल पहले बताया था, ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ है। मेरी होता है ना, गुरु बोलता है एक स्थिति के ऊपर, शिष्य सुनता है एक स्थिति पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। उसके लिए चित्त को सशक्त करो। आपका चित्त जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, और जितने सशक्त वाले लोग अपने राष्ट्र में होंगे, उतना राष्ट्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। चित्त को स्ट्रांग करो, चित्त को मजबूत करो। और चित्त को स्ट्रांग करने के लिए पहले चित्त को मजबूत करो, और मजबूत करने के लिए पहले शुद्ध करो, और शुद्ध करने के लिए समर्पण करो। अब प्रश्न आता है, समर्पण क्या करने का? शरीर का समर्पण करने का, पैसे का समर्पण करने का, समर्पण काय का करने का? आज गुरुदक्षिणा में मुझे एक ही समर्पित करो, आपका भूतकाल मुझे दे दो, मैं आपको उज्जवल भविष्य दूंगा।